आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या है, x माइनस टू इक्वल टू सेवन है। x माइनस टू इक्वल टू सेवन, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस टू को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू सेवन और माइनस टू है इधर आएगा तो प्लस टू हो गया, तो x इक्वल टू सेवन प्लस टू हो गया नाइन, x इक्वल टू नाइन, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है। टू में क्या है दिया हुआ, y प्लस थ्री, देखिए लिखा हुआ है y प्लस थ्री इक्वल टू टेन है। क्या है y प्लस थ्री, देखिए y प्लस थ्री इक्वल टू टेन है। सेकेंड क्वेश्चन में y प्लस थ्री इक्वल टू टेन है, यहाँ से देखिए y प्लस थ्री इक्वल टू टेन है, तो y का वैल्यू निकालना, तो y को यहाँ रखो, इसको इस तरफ ले चलेंगे तो टेन है, अब प्लस थ्री इधर आएगा तो माइनस थ्री। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में कोई चीज़ रहेगा तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर डिवाइड में रहेगा तो इनटू में हो जाएगा, और अगर इनटू में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस बात को याद करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस थ्री था, इधर आएगा तो माइनस थ्री, तो कितना हो गया, वाई इक्वल टू दस में तीन माइनस कर देंगे तो सेवन, तो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया। ठीक है, वाई प्लस थ्री इक्वल टू टेन, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन माइनस थ्री, तो वाई इक्वल टू सेवन हो गया। ठीक, अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू है, सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, जेड का, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो सिक्स हो गया, अब प्लस टू है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस टू हो गया, और इधर हम लोग के पास क्या बचा, जेड, अब छः में दो घटा दो कितना आएगा, चार इक्वल टू जेड, तो जेड इक्वल टू फोर, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन है। क्या है, थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन है। देखिए थ्री बाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर में है, थ्री बाई सेवन, ये है आपका किताब में देखिए क्वेश्चन, देखिए थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करें, देखिए क्या करेंगे, थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे रखेंगे, बाकी को हटाएंगे, तो ये सेवनटीन बाई सेवन, अब ये देखिए ये पूरे को इस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो क्या ये प्लस में, देखिए आगे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा, मतलब ये प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस थ्री बाय सेवन हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए सेवन सेवन का एलसीएम सेवन हो गया, यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो गया, सेवनटीन, यहाँ पे सेवनटीन है माइनस थ्री। ठीक है, अब सेवनटीन में थ्री माइनस कर देंगे तो फोर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन बाई सेवन, अब फोर्टीन सेवन का टेबल में दो बार में आएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, टू, तो x इक्वल टू हम लोगों को कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ सिक्स एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में है सिक्स एक्स इक्वल टू ट्वेल्व है। ठीक, अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे देखिए ये सिक्स और एक्स है, सिक्स और एक्स है, इसके बीच में प्लस दिख रहा है, नहीं, माइनस दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या डिवाइड भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या इनटू है, क्या है यहाँ पे इनटू रहता है, दिखता नहीं लेकिन यहाँ पे इनटू रहता है। ठीक है, तो ये जब इनटू है तो दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वेल्व बाई सिक्स, कैंसिल कर दो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में है टी बाई
फाइव इक्वल टू टेन है। देखिए क्या, टी बाई फाइव इक्वल टू टेन है, टी बाई फाइव इक्वल टू टेन है, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये डिवाइड में है, यहाँ पे देखिए ये फाइव डिवाइड में, तो इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में होगा, तो टी इक्वल टू होगा दस को पाँच से इंटू कर देंगे तो कितना होगा पचास, तो टी इक्वल टू पचास, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सेवन में है टू एक्स बाई थ्री इक्वल टू एटीन है। ठीक, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है x का, तो x का वैल्यू निकालना है तो बारी बारी से इसको हटाते जाना है, पहले इस थ्री को इस तरफ ले चलेंगे, तो ये अभी यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब टू एक्स इक्वल टू होगा एटीन इंटू थ्री हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले रखेंगे, टू को इस तरफ ले चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक, अब टू से काटेंगे तो टू नाइन जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे नाइन और थ्री, नाइन थ्री जा कितना हो जाएगा 27, तो x इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया हुआ है, एट में देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एट में है 1.6 इक्वल टू वाई बाई 1.5 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है एट नंबर, क्या लिखा हुआ है 1.6 इक्वल टू वाई बाय 1.5, 1.6 इक्वल टू वाई बाय 1.5, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो y का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर ले जाना होगा। ठीक है, तो इधर जाएगा, अभी यहाँ देखिए ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो इंटू में होगा, मतलब 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को इंटू कर देना है। ठीक है, तो देखिए इंटू करना है किसको किसको, 16 को, 1.6 को और 15 को, तभी पॉइंट को हटा के इंटू करेंगे, तो 5 6 जब 30, 30 का 0 हो गया, 5 1 जब 5, 5 और 3 8 आ गया, 80 हो गया, और 1 6 जब 6, 1 1 जब 1, तो ये आपका 0 हो गया, 8 से 14 के 4 और 1 और 1 2 240। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल दो डिजिट हो गया, तो बैक साइड से गिनेंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, मतलब आएगा 2.40 इक्वल टू वाई, तो पॉइंट के बाद जीरो को यहाँ पे हटा देंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 2.4, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट कम्प्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या है, नाइन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है 7x-9 इक्वल टू 16 है, 7x-9 इक्वल टू 16 है। अब आप ही लोग बताइए क्या करेंगे, इसमें क्या करना चाहिए, तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले इस यहाँ पे देखिए हमको चूंकि x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है x का, इसलिए इस माइनस नाइन को सबसे पहले इधर ले आएंगे, तो जब माइनस नाइन है इधर आ गया तो क्या होगा प्लस होगा, मतलब 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस नाइन इस तरफ चला गया, ठीक है, माइनस नाइन को हमने इस तरफ ले चला गया, तो क्या हो गया, माइनस नाइन था इधर आ गया तो प्लस 9, अब क्या होगा 7x इक्वल टू, अब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो गया 25/7, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग टेन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टेन, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया हुआ, 14y-8 इक्वल टू 13 है, क्या है 14y-8 इक्वल टू 13, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग का दिया हुआ है 14y
माइनस एट इक्वल टू 13 है। देखिए यहाँ आराम से देखिए क्वेश्चन को क्या लिख रहा है, 14y माइनस एट इक्वल टू 13। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस एट को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 14y देखिए 13 माइनस एट है, माइनस एट है, अभी बताएं माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस हो गया इधर। अब यहाँ पे हम लोग के पास हुआ 14y, अब 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 21 हो गया, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ से y निकालेंगे तो कितना आएगा 21। अब देखिए ये चूँकि यहाँ y यहाँ पे 14 और y यहाँ पे 14 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब काटिए 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y इक्वल टू हम लोग को हो गया 3/2। यही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, सो दिया हुआ है 17+6p इक्वल टू 9। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एकदम आराम से समझिए। देखिए 17+6p इक्वल टू 9 है, 17+6p इक्वल टू 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 6p का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो इसको पहले हटा के इस तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 6p इक्वल टू हो गया 9, अब प्लस 17। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ प्लस है, प्लस 17 है, तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस 17 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 6p हो गया, अब 17 में 9 घटा दीजिए, 9 में 17 घटाएंगे, देखिए 9 में 17, तो 9 में 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 होगा, 17 में 9 घटा 8 हो गया। अब चूंकि 17 यहाँ पे देखिए 9 और 17 में 17 बड़ा है, इसमें क्या चीज़ का साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से p निकालेंगे तो ये इंटू में इसके साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस 8, और ये डिवाइड में हो जाएगा 6। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो p इक्वल टू हो गया -4/3। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, x/3+1=7/15 है। देखिए क्या लिख रहा है, x/3+1=7/15। ध्यान से देखिए, x/3+1=7/15। हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, तो पहले इसको उस तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x/3=7/15, ये प्लस वन है, प्लस वन है, इधर आएगा तो माइनस वन होगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x/3 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 15 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए 15 का टेबल में एक बार में आता है, तो 1 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 1 का टेबल में 15 बार में आएगा, फिर 15 यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x/3 हो गया, 7 में 15 घटा देंगे तो 7 में 15 घटाएंगे तो -8 आएगा, ठीक। बाई में कितना हो गया, 15, ठीक है। अब डायरेक्ट आप चाहें तो यहीं से इसको काट दीजिए, 3 5 जा 15, ठीक। तो x इक्वल टू हो गया -8/5, यही हम लोग को आंसर हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।